आपके अपने परिवार हिंदू रिचुअल चैनल में पुनः स्वागत है। राजस्थान की पवित्र बूंदी धरती से जिसको छोटी काशी भी कहा जाता है, आपसे निवेदन करने जा रहा हूँ। कई भाइयों बहनों ने पूछा कि गुरुजी जो फूल हम चढ़ाते हैं वो उठाएं कि नहीं उठाएं, क्योंकि किसी यूट्यूब में उन्होंने देखा था कि फूल नहीं छूना चाहिए, तो ये गलत बात है। मैं बार बार निवेदन करता हूँ कि आज का चढ़ा हुआ फूल, मैं तो ये भी कहूँगा कि सुबह का चढ़ा हुआ फूल शाम को उठा लेना चाहिए, शाम को दोबारा ताज़ा अच्छा सुगंधित फूल चढ़ा देना चाहिए। रात्रि में माता जी के पास सुगंधित चंपा है, चमेली है, बेला है, तो उनको पता कि सुगंधित मिलती रहे, अगल बगल में चढ़ा देना चाहिए। तो बिल्कुल आप फूल रोज उतारिए और रोज चढ़ाइए। जैसे हम नित्य नहाने पहले कपड़ा उतारते हैं, फिर नया कपड़ा जो है धारण करते हैं। और दूसरी बात, कई भाई बहनों का कहना, गुरु जी हमारे जवारे कम आ रहे हैं, हालांकि अभी तो प्रारंभ हुआ है, उसके लिए भी चिंता मत कीजिएगा। कोई हम खेती थोड़ो बो रहे हैं, खेती किस कर रहे हैं, माँ की कृपा की, माँ की प्रसन्नता की खेती हम लोग कर रहे हैं। तो हमारी जो सच्ची भावना से हम करेंगे, मैया हमारी उसी में प्रसन्न होंगी, उसकी भी चिंता मत कीजिए। किसी कारण गलती से दिया बुझ जाए उसका भी फिक्र मत कीजिए, पुनः जला दीजिए। माता हमारी भाव को देखती हैं, हमारी व्यवस्था को नहीं देखती हैं। पूरे मन से आप जूठा बेर भी सबरी की तरह खिलाएंगे तो प्रसन्न हो जाएंगे, पर हम लोग चूंकि सबरी नहीं है तो हमें सावधानीपूर्वक धो के साफ करके अर्पण करना चाहिए। प्रश्न आता है कि अष्टमी किस दिन है, नवमी किस दिन मनाएं। अष्टमी बंधुओं, जिनके जीवन में किसी भी प्रकार का संकट है, डॉक्टर इतिहास के पास जाकर के कोई सॉल्व नहीं हुआ है और भूत प्रेत पिशाच आदि की बाधा लगती है, उनको 12 तारीख की संध्या वेला में 9-10 बजे रात्रि से एक अच्छे ब्राह्मण को बुला करके दुर्गा पाठ करा करके उससे हवन कराने से वो जो है संकट दूर हो जाएगा। तो संकट नाशक जो है महारात्रि की महानिशा की जो अष्टमी मिल रही है वो 12 तारीख को मिल रही है। जिनको व्रत करना है वो 13 तारीख को अष्टमी का व्रत करें, क्योंकि उस दिन रामनवमी भी है, तो उनको डबल व्रत का फायदा मिलेगा, अष्टमी नवमी दोनों का फायदा मिलेगा। तो इस तरह से, और रामनवमी के बारे में अगले वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा। जो भी मन में संदेह हो आप निसंकोच पूछिए, जब भी मुझे समय मिलेगा मैं अवश्य बताऊंगा। बड़ी प्रसन्नता है कि आप लोग सत्कर्म तो कर रहे हैं और मुझे भी कहीं ना कहीं अवसर दे रहे हैं। तो बंधुओं, ये थोड़ा नकली लोगों से सावधान रहें और निसंकोच होकर माँ की सेवा करें, पवित्रता का भी ध्यान रखें और अधिक से अधिक माँ की सेवा करें, खिलाएं पिलाएं, घर में भी बैठें और टीवी न देखें, उनके पास बैठें, उनको निहारें, उनको सजाएं, जूठा गिलास हो गया उसको हटा दें, सामने पूजा की थाली भी न रखें। जैसे राजा के सामने सब चीज़ नीट और क्लीन रहता है, ऐसे मैया के यहाँ भी स्वच्छता रखें। माँ सबकी मनोरथ पूरा करने वाली है, इसीलिए तो उनकी हम लोग पूजा करते हैं। इसलिए निश्चिंत रहें पूरा और उनकी सेवा करें। कोई मन में प्रश्न हो तो आप पूछिएगा, इंस्टाग्राम पर भी आप पूछ सकते हैं, बहुत व्यक्तिगत प्रश्न, पूजा पाठ से संबंधित प्रश्न जो इंस्टाग्राम पर नहीं वो यहीं पर, ताकि और लोगों को पता चल जाएगा। जय सियाराम, फिर मिलेंगे हम नई जानकारी के साथ में।